told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ JBL का स्पीकर। वो एक पोर्टेबल सा स्पीकर आ जाता है, तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और रिव्यू करती हूँ। पहले एक और बोट का मैंने स्पीकर रिव्यू किया था, तो आप जाके वो वाला भी वीडियो मेरा देख सकते हो गाइज। तो ये काफ़ी अच्छे बॉक्स में एकदम पैक वैक होके एकदम आता है, तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। सिंपली आपको इसको ऐसे यहाँ से पुश करना होता है, फिर ये निकल जाता है। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर आप लोग को ये मिल जाता है JBL का फ्लिप बुक और वारंटी कार्ड, जो आप लोग देख सकते हो। और इसके अंदर मैं क्या ही आप लोग को खोल के दिखाऊं, इसके अंदर यही है। गाइस देख सकते हैं आप लोगों को ये है, और ये ऊपर वाला इसका काफ़ी अच्छा मैट फिनिश है, आपको दिख सकता है ये। और ये काफ़ी कंफर्टेबल सा है और इसके अंदर गंदा वगैरह नहीं जाता है। इधर के साइड में ब्लूटूथ का बटन है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस करने का है और पॉज और ये ऑन करने का है। और इधर यहाँ पे पावर बटन दिया गया, यहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए मिल जाता है। लेकिन गाइस ये मतलब इतना हार्ड दिया हुआ है कि मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे प्रेस वगैरह करके खोलने वाला देना चाहिए, लेकिन ये इतना हार्ड है कि मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह दिया गया है, अभी मैं इसे कनेक्ट करके और ऑन करके भी दिखाऊंगी। और इसका ये प्लास्टिक है, और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है इसके अंदर। और इधर के साइड JBL लिखा हुआ है, इधर के साइड भी JBL, और ये डस्ट रेजिस्टेंस है, डस्ट को अंदर नहीं जाने देता है। और यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए कहीं पे भी यहाँ पे ये आपको दिया गया है। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे पावर बटन पे नॉर्मली एक बार प्रेस करना होता है, फिर इसके बाद ये ऑन हो जाता है। उसके बाद गाइज आपको ब्लूटूथ पे ऑन करना होता है। उसके बाद गाइज मोबाइल में आपके मोबाइल में आ जाएगा JBL फ्लिप एसेंशियल, उसको टैप कीजिएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा ट्विन ही बसता है, ट्रोन ट्रोन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बसता है, काफ़ी आराम से हो जाता है। और बस ये बटन बस एक बार ही आप बहुत जल्दी हो जाता है, एक बार प्रेस कीजिएगा हो जाएगा। तो गाइस चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं। मेरा बोट का वीडियो था, जो ये वाला था बोट स्टोन का मैंने डाला था, हम लोग प्ले करते हैं। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बोट का स्टोन 500 स्पीकर, जो काफी अच्छा सा ऊपर से दिख रहा है और काफी एक प्रीमियम लुक दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। और काफी ये हेवी सा है उठाने में, और इसका स्ट्रैप भी मिलता है इसके साथ साथ। प्राइस जो अभी आप सुन रहे थे, ये 50% वॉल्यूम में है, मैं इससे भी मतलब पूरा 100% आपको करके सुनाती हूँ। देख सकते हो ये है जो ये स्ट्रैप काफी अच्छा है, नायलन का है और मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला स्ट्रैप। गाइस देखा जाए तो इधर के साइड हमें 20-20 वॉट्स का दो स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है साथ, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है। हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, जो ये स्क्वायर दिख रहा है 20-20 वॉट्स का, यहाँ पे दो स्पीकर है। और इसके ऊपर काफी अच्छा एक कवरिंग किया गया है क्लोथ का, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और साइड साइड में आप लोग देखते हो तो ये तो गाइज नॉर्मल वीडियो था, तो मैंने इसका आवाज़ सुनाया। अभी मैं आप लोग को म्यूजिक चला के दिखाती हूँ, यूट्यूब का म्यूजिक है जो मैं आप लोग को चला के दिखाती हूँ। ये 50% आवाज़ पे, 50% से भी कम का आवाज़ है, क्योंकि ये मैं अभी काम म्यूजिक चला रही हूँ, और इसका 100% ये है। अब मैं आपको थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनाती हूँ। गाइज अभी आप लोग देख ही लिए और सुन भी लिए कि इसका मैक्सिमम वॉइस और 50% वॉइस और लो वॉइस कितना है। तो चलिए अब मैं इसका कुछ और भी फीचर्स है जो बता दूं। यहाँ पे जो आप लोग को लाइट्स दिख रहा है, ये जो 3-4 लाइट्स है, तो ये चार्जिंग का दिखाता है कि कितना परसेंट चार्ज है। जब म्यूजिक ऑन करोगे तो हो जाएगा ये लाइट्स ऑन, दिखाता है कितना परसेंट चार्ज है। और ये 10 आवर्स चल जाता है, और 1.5 घंटे में ये चार्ज हो जाता है न, तो 1.5 घंटे में चार्ज होता है, तो फिर 10 आवर्स चल जाता है। और ये इसके अंदर
IPX7 का रेटिंग है, इसका मतलब 1 मीटर पानी के अंदर भी जला जाएगा तो कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, वाटर प्रूफ है। तो इसमें यही सब फीचर्स था कुछ मेन, और ये बटन्स वगैरह बेसिक था, और यहाँ पे जो LED लाइट लगा हुआ है चार्जिंग के लिए, ये अच्छा है। और इसका मैंने क्वालिटी बता ही दिया, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बेस इसका बहुत ज़्यादा लाउड है, काफ़ी क्लियर आवाज़ आता है, और ये मैं बोलूँगी बेस्ट है। अब मतलब इतना आवाज़ ना, एक मतलब नॉर्मल वो छोटा छोटा वो जो साउंड बॉक्स होता है, इतना 2-4 उसमें रहता है उतना आवाज़ आता है, लेकिन इसमें इतनी सी में इतना सारा आवाज़ है ना, जो बहुत अच्छा है। और मैंने इसका प्राइस अभी तक नहीं बताया था, तो मैं प्राइस इसका बता देती हूँ। इसका प्राइस प्रिंट है 9,000, लेकिन अगर आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदते हो तो अभी इसका प्राइस है 6,000, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदोगे तो 6,000 का अभी ये मिल रहा है, तो जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइज ये बहुत अच्छा है, आप जाके इसे परचेज कर सकते हो, ये बेस्ट स्पीकर है। लेकिन इसको आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हो, कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो तो आप ले जा सकते हो बहुत ही इजीली, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। जितना इसका साइज है, जो मुझे बहुत बेस्ट लगा, और आवाज़ तो भयानक है भाई, मुझे तो ये बेस्ट लगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा मतलब कम पैसा दे के आप खरीदते हो तो इतना मतलब इतना तामझाम उसमें रहता है, अगर थोड़ा सा पैसा बढ़ा दोगे तो कम्फर्ट रहेगा आप ही को, तो आप ये वाला या स्पीकर ले सकते हो। तो आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।